साथियों असलकुम मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तबाल करता हूँ खैर मकदम करता हूँ वेलकम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जी एस ऑनलाइन पर एक बार आप तमाम हजरात ये बतलाइए हमारी ऑडियो और वीडियो दोनों की क्वालिटी आप तक ठीक ठाक पहुँच रही है और आज साथियों इक्कीस ये दिसंबर 2021 में जो सी टेट का एग्ज़ाम हुआ था उसका रिज़ल्ट भी पब्लिश हो गया है आप में से बहुत सारे साथियों का रिजल्ट आया है जीएस ऑनलाइन से ऐसे तो बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं लगभग तीन साल से साथियों मैं पढ़ा रहा हूं। उन तमाम साथियों को उन तमाम स्टूडेंट को जिन्होंने यहां से तालीम हासिल की और जो क्वालिफाई हुए हैं उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और साथियों वो आपके लिए एक क्या है आपके लिए एक मशाल राह है उसको देख कर आप भी अपनी तैयारी को इम्प्रूव कर सकते हैं और उन तमाम का जब हमारे पास वीडियो शॉट आएगा तो उसको भी मैं भेजूंगा हालांकि आप कमेंट्स में भी देख रहे हैं कि उन लोगों का रिजल्ट आया है साथियों इससे ये पता चलता है कि हमें तैयारी रेगुलर रखनी चाहिए जैसे अभी कुछ लोग डी त्रिपल एस एस बी वाले हैं टी जी टी हैं यू पी टी जी टी एल टी ग्रेड मानवी एड यू जी सी नेट आप किसी चीज की भी तैयारी करें रेगुलर तैयारी कीजिए यह नहीं कि दस दिन तैयारी किए और एक दिन छोड़ दिए यह नहीं करना है ठीक है ना चलिए बहुत अच्छा मैं देख रहा हूं कि साथियों जिस वक्त से रिजल्ट आया है उस वक्त से मैं फोन रिसीव करते करते थक गया मैसेज देखते देखते थक गया इसलिए मैं आप लोगों से सभी से साथियों कहना चाहूंगा कि आप जिस चीज की भी तैयारी कर रहे हैं बेहतरीन तरीके से रेगुलर तैयारी कीजिए ठीक है चलिए आज हम लोग जो तैयारी वीडियो जिस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं इससे पहले हमने आपको मसनवी कुदमराव पुदमराव पढ़ाया था और उसके बाद हमने आपको मसनवी कुतुब मुश्तरी हमें ये पता है कि अगर साथियों पूछूं आपसे कि मसनवी कुदमराव पुदमराव के किरदार क्या है तो आप सभी लोग कहेंगे कुदमराव राजा पुदमराव रा उसके वजीर और अखरनाथ जो है और फिर उसने दो बेद सिखाया था यह सभी आपको याद है कुतुब मुश्तरी का किरदार ये आप उंगली पे बता देंगे तारुद है जोहरा है मुश्तरी है ठीक है ना मेहताब परी है मिर्री खान है ये सब इसके किरदार इब्राहिम कुतुब शाह कुली कुतुब शाह मुला वजी ये सभी आप बता दीजिएगा कि ये सब किससे मुतालिक है तो कुतुब मुश्तरी से मुतल है ठीक है ना आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है मसनवी सहरुल बयान देखिए बयान का मतलब होता है आवाज जो हम बोल रहे हैं इसको बोलते हैं बयान और शहर के माने होते हैं जादू यानी आवाज यानी साथियों इसका जब आप बोलेंगे तो बयान का जादू इसका माना होगा ठीक है ना ये आपको सभी एग्जामिनेशन में डी ट्रिपल एस एस बी टी जी टी यूपी टीजीटी टी एल टी ग्रेड और इसी तरह यूजीसी नेट मानू बी एड साथियों और भी आप किसी स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं सिर्फ आपको सी टेट, और साथियों एम पी रीट जुपिटेट इसको छोड़कर उसमें यह नहीं पूछा जाता है आपको वहां पर काम आएगा ठीक है चलिए शुरू करते हैं देखते हैं एक एक करके बहुत ध्यान से साथियों आपको एक एक पॉइंट्स को देखना है चलिए पहले कुछ चीजों को हम इसमें देखते हैं गौर से ध्यान दीजिए मसनवी सहरुल बयान और मीर हसन मीर हसन का असल नाम क्योंकि मीर हसन ने इसको लिखा था जैसे मुल्ला वजी का असल नाम हम लोगों ने जाना था अब आप लोग चर्चा न कीजिए देखिए अगर आप जनरल से हैं तो नब्बे प्लस आपको चाहिए और अगर आप साथियों ओबीसी तो हैं तो आपको तिरासी प्लस मार्क्स चाहिए ठीक है ना जी क्वालिफाई के लिए चलिए मीर हसन का असल नाम मीर गुलाम हसन था और जो मीर बब्बर अली अनीस के क्या मीर बब्बर अली अनीस के दादा थे देखिए मीर बब्बर अली अनीस कौन जो मरसिया निगार थे उसके ये कौन थे तो साथियों मीर हसन दादा थे और तखल्लुस हसन क्या करते थे क्या तखल्लुस क्या करते थे हसन तखलुस क्या करते थे मीर हसन की पैदाइश सत्रह सो सैतीस ईस्वी में हुई थी यानी कब हुई थी सत्रह सो सैतीस ईस्वी में और वफात सत्रह सो लखनऊ में हुई थी ठीक है इससे पहले साथियों हमने जो पढ़ा था किन के किनके बारे में पढ़ा मुल्ला वजी के बारे में कि पंद्रह में उनकी पैदाइश हुई है और सोलह में उनकी वफात हुई थी ठीक है इनके वालिद का नाम यानी मीर गुलाम हसन के वालिद का नाम था मीर ग़ुलाम हुसैन क्या नाम था मीर ग़ुलाम हुसैन देखिए मीर हसन और मीर ग़ुलाम हुसैन इतना सा फ़र्क है जो तखलस ज़ाहिर क्या करते थे और जो अपने वक्त के बड़े हिजव गो शायर थे हिजव गो का मतलब यह होता है वो शायर जो किसी दूसरे की साथियों बुराई को बयान करे ठीक है ना मीर हसन के उस्ताद यानी मीर गुलाम हसन के उस्ताद कौन थे तो उस्ताद मोहतरम का नाम था मीर जियाउद्दीन जिया क्या नाम था मीर जियाउद्दीन जिया और सौदा से भी इन्होंने इसलाह लिया था यानी सौदा भी इनके उस्ताद थे सौदा मीनस से मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा अब आप लोग देखिए थोड़ा सा

कि निकातु शोरा जो के साथियों तस्करा है इसको किसने लिखा बता सकते हैं आप लोग कि बताइएगा बताइएगा आप लोग निकातु शोरा किसने लिखा चलिए तो यह बात आप याद रखें कि मीर हसन ने साथियों तस्करा शोरा उर्दू के नाम से इन्होंने लिखा था उसके बाद साथियों मीर हसन ने कुल सात कसीदे लिखे थे कितना कसीदे सेवन कसीदे बहुत अच्छा उसके बाद एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा मसनवी सहरुल बयान सौ पाँच ईस्वी में जब जा, जान गिलक्रिश्ड की फरमाइश पर हिंदुस्तानी प्रेस कलकत्ता से छपी थी कब छपी थी तो साथियों 1805 सौ ईस्वी में कब 1805 सौ ईस्वी में रशीद हसन खान ने मसनवी सहरुल बयान को मुरतब किया देखिए इससे पहले हमने साथियों ये पढ़ा था कि जो कुतुब मुश्तरी मसनवी है इसको मौलवी अब्दुल हक ने मुरतब किया था मुरतब का मतलब ये होता है तरतीब देना तो इसी तरह सहरुल बयान को किसने मुरतब किया तो साथियों रशीद हसन खान ने किसने रशीद हसन खान ने ठीक है ना उसके बाद आगे देखिए सहरुल बयान का माना बयान का जादू होता है क्या होता है सहर के माने होते हैं जादू तो सहरुल बयान का माना क्या होगा बयान का जादू होता है जिसे मीर हसन ने सत्रह सौ चौरासी में आसिफ के अहद में लिखा था याद रखिएगा अभी आपने पढ़ा कि मीर हसन की पैदाइश सत्रह में हुई थी और इनकी वफात सत्रह में हुई थी यानी अपने मौत से दो साल कबल यानी सत्रह में इन्होंने साथियों आसिफुद्दौला ये नवाब थे इनके अहद में इन्होंने साथियों क्या किया इस मसनवी को लिखा किसको सहरुल बयान को लेकिन एक बात याद रखिएगा कि रशीद हसन खान ने इस मसनवी को तरतीब दिया यानी मुतब किया ठीक है उसके बाद ध्यान दीजिएगा मसनवी सहरुल बयान मीर हसन की आखिरी तबाहजाद मसनवी है अगर आपसे पूछे कि इनकी आखिरी मसनवी का नाम क्या है तो साथियों वो है क्या सहरुल बयान की आखिरी मसनवी ये क्या है आखिरी मसनवी है मीर हसन की ये जो उन्होंने बहरे मतकार मुसमन मकसूर में लिखी है देखिए आपको पूछा जाता है कई बार पूछा गया है कि मसनवी सहरुल बयान किस बहरे में लिखा गया है तो बहरे मतारीब में किस में बहरे में क्या साथियों बहरे मतारीब में मसनवी सहरुल बयान को लिखा गया है। उसके बाद ध्यान दीजिए मसनवी सहरुल बयान को मसनवी बदरे मुनर मसनवी मीर हसन किस्सा बदरे मुनिर शहजादा बेनज़ीर वगैरह के नाम से भी जाना जाता है यानी मसनवी तो सहरुल बयान ही है इसी को मसनवी बदरे मुनीर के नाम से भी मसनवी मीर हसन के नाम से भी किस्सा बदरे मुनीर के नाम से भी शहजादा बेनजीर के नाम से भी इसी मसनवी को कहा जाता है ठीक है ध्यान दीजिएगा मसनवी सहरुल बयान का दीबाचा दीबाचा का मतलब होता है जिसको साथियों मुकदमा कहते हैं मुकदमा का मतलब होता है कि जो किताब लिखी जाती है ना उस किताब के स्टार्टिंग में कुछ अलफाज लिखे होते हैं तो इसका जो दीबाचा है वो शेर अली अफसोस ने लिखा था किसने लिखा था शेर अली अफसोस ने लिखा था मसनवी सहरुल बयान में शहजादा बेनजीर शहजादा बोलते हैं बादशाह के बेटा को शहजादा बेनजीर और शहज़ादी बदरे मुनीर की इश्क की दास्तान पेश की गई है अगर आपसे कोई पूछ ले कि मेरे दोस्त ये बताइए कि कुली कुतुब शाह की जो ये मसनवी है वजी की जो मसनवी कुतुब मुश्तरी उसमें किसकी इश्क की दास्तान है तो आप कहिएगा कि कुली कुतुब शाह के इश्क की दास्तान है कि कुली कुतुब शाह ये इब्राहिम कुतुब शाह का लड़का है जो कि बंगला की शहजादी मुश्तरी को खाब में देखता है और उसी पर दीवाना हो जाता है यह आपको पता है तो इसी तरह यह याद रखिए कि मसनवी सहरुल बयान में जो शहजादा है उसका नाम है बेनज़ीर और जो शहजादी है वह है साथियों बदरे इसकी दास्तान बयान की गई है तो इसलिए हम यह कह सकते हैं शुरू में जो हमने डिवाइड किया था कि मसनवी के दो अकसाम हैं अगर मसनवी के अंदर किसी की इश्क की दास्तान बयान की जाए तो उस मसनवी को बजमिया मसनवी कहते हैं और अगर मसनवी के अंदर किसी के साथियों क्या हो जंग की बयान की बयान किया जाए तो उसको रिजमिया मसनवी कहते हैं तो उस लिहाज से यह कौन सी मसनवी होगी मसनवी सहरुल बयान तो साथियों यह आपका मसनवी सहरुल बयान जो है वो आपका बजमिया मसनवी होगा कौन सा मसनवी होगा बजनिया मसनवी होगा ठीक है ना अब आगे ध्यान दीजिए पहले इसमें हमने ये किया है कि साथियों सबसे पहले हम किरदार को आपके सामने पेश करूंगा उसके बाद इस मसनवी का मुकम्मल खुलासा हम बयान करेंगे ध्यान दीजिएगा हमें अफसोस होता है कि आप आपस में बात ना कीजिए बहुत अच्छी बात है कि आपका सीटेट का रिजल्ट आया बहुत खुशी की बात है हमारे पास भी साथियों बहुत सारे मैसेजेस पड़े हुए हैं उन तमाम को मैं फिर से बधाई देता हूं और जो लोग इस बार तैयारी करना चाहते हैं पच्चीस तारीख से साथियों अपने जीएस ऑनलाइन पे तैयारी चालू हो जाएगी और आपको पंद्रह मार्च के बाद उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा इसलिए आप अभी से तैयार हो जाए ठीक है चलिए अब उसके बाद देखिए ध्यान दीजिए इसका किरदार क्या है म, जी मुल्क शाह का लड़का शहजादा बेनजीर किसका लड़का है साथियों शाह का लड़का शहजादा बेनजीर इस मसनवी का हीरो है अगर आपसे कोई पूछ ले कि सहरुल बयान का हीरो कौन है जैसे कुतुब मुश्तरी का हीरो कौन है तो साथियों कुली कुतुब शाह तो अगर इसी तरह पूछ ले कि मसनवी सहरुल बयान का हीरो कौन है तो वो साथियों बेनजीर नाम है इसका माह रुख परी शहजादा बे नजीर पर माह रुख परी फरेफ्ता होती है अब माह रुख परी कौन है तो ये माह रुख परी जो है ये शहजादा जो बे नज़ीर है इसी पर ये आशिक होती है दीवाना होती है ठीक है उसके बाद है साथियों शहजादी शहजादी बदरे मुनीर बदरे मुनीर कौन है ये शहजादी है बदरे मुनीर के बाप का नाम मसूद शाह था अभी इतना सही रखेंगे आप कि मसूद शाह बदरे मुनीर के बाप का नाम था शहजादा बेनजीर और शहजादी बदर मुनीर की मुलाकात एक बाग में होती है जहाँ दोनों एक दूसरे के इश्क में मुबतला हो जाती हैं अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि शहजादा बे नज़ीर और शहजादा मुनीर की मुलाकात कहाँ होती है तो एक बाग़ में होती है ठीक है उसके बाद देखिए वजीर जादी वजीर जादी का मतलब ये हुआ कि वज़ीर की लड़की जिसका नाम था नजम्नसा जो जोगन बनकर शहजादा बेनजीर की खोज में निकलती है एक बात यह याद रखिएगा कि जो मसनवी सहरुल बयान है इसका सबसे फाल और मतहर किरदार जो है वह नजमसाह है, ठीक है, है। चलिए नजमुलसा ये कौन होती है तो शहजादी बदरे मुनीर की सहेली होती है कौन होती है सहेली होती है यानी इसकी साथी होती है अब उसके बाद आगे देखिए साथियों एक एक करके चलिए सईद सर थैंक यू सो मच आपकी वजह से मेरा उर्दू में 28 30 में 28 आया वाह क्या बात है माशाल्लाह ये एक छोटा सा वीडियो क्लिप आप भेज दीजिएगा मैं उसको जो है अपलोड कर दूंगा निशा की मुलाकात रास्तों में जिन्नों के बादशाह फिरोज शाह से होती है और फिरोज शाह निशा के हुस्न पर फरीफ्ता होता है हो जाता है और आखिर में पदरे मुनीर और बेनजीर की शादी होती है और फिरोज शाह की शादी निशा से होती है अभी ये सब बातें आपको समझ में नहीं आ रही होंगी जब आप अभी देखेंगे इसका खुलासा तो आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा इस मसनवी में यानी कि मसनवी सहरुल बयान में सबसे ज्यादा मुतहरक और फाल किरदार निशा का है। किसका नाम है निशा का इसलिए कि यह निशा ही जोगन बन के साथियों जाती है छुड़ाने के लिए किसको तो शहजादा जी बेनजीर जी किसको जाती है ने तो यह जाती है जे शहजादा बे नजीर को मीर हसन ने मसनवी सहरुल बयान को कुछ यूं खुदाबारी ताला की तारीफो तोसी बयान करते हुए लिखा क्या लिखा है करूं पहले तोहेद य रकम करूं पहले तोहेद य रकम झुका जिसके सजदे को अव्वल कलम सरे लौह पर रख जबी कहा दूसरा दोस, कोई तुझसा नहीं यानी इसमें साथियों अल्लाह तबारक व ताला की तारीफ व तौसीफ बयान कर रहे हैं उसके बाद इस मसनवी का स्टार्टिंग होता है तो चलिए अब हम इसको अपने लैंग्वेज में इसका खुलासा बयान कर रहे हैं साथियों ध्यान से दीजिए देखिएगा एक एक करके आप समझिएगा मसनवी सहरुल बयान का खुलासा खुलासा क्या है देखिए किसी शहर में क्या किसी शहर में कोई बादशाह था उसे हर तरह का ऐश हासिल था मगर वो औलाद की नमत से महरूम था यानी उसके पास कोई औलाद वगैरह नहीं था मायूसी और नाउमीदी की हालत में उसने दुनिया तर्क करने की ठानी आप ही को साथियों अगर कोई औलाद नहीं हो आप बूढ़े हो जाएं तो आप क्या कहिएगा कि ये धन दौलत दा, किस काम का जबकि मेरे बच्चे ही नहीं है तो चुनान चाह उन्होंने ही साथियों वो बादशाह भी मायूसी के आलम में दुनिया को छोड़ना चाहा नजूमियों और ज्योतिषियों को बुलाकर मशवरा किया पहले नजूमी लोग बहुत होते थे वो लोगों को बुलाया और बादशाह ने मशवरा किया कि मेरे घर में कोई औलाद नहीं है उन्होंने यानी नजूमियों ने उसके यहाँ औलाद होने की पेशन गोई की और यह भी बतलाया कि बच्चा पैदाइश के बारहवीं साल आफत व मुश्किल से दो चार होगा यानी नजूमियों ने कहा कि अय बादशाह सलामत आप घबराइए नहीं आपके घर में एक बच्चा तो जन्म लेगा लेकिन जो ही वो बारह साल का होगा तो उसको बहुत सारे आफत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा वो लड़के की जान को कोई खतरा नहीं होगा यानी वो कोई खतरे में नहीं रहेगा लेकिन उसको आफतों मुश्किल होंगे मगर कोई परी उस पर आशिक होगी और उसे उड़ा ले जाएगी ये बात कौन कह रहा नुजूमी कह रहा नुजूमियों की पेशन गोई सही साबित हुई और बादशाह के यहां एक खूबसूरत सा बेटा पैदा हो गया उसका नाम बेनजीर रखा गया देखिए नजीर का मतलब होता है मिसाल यानी उस जा, उस जैसा कोई नहीं तो चुनान नजूमियों के मुताबिक साथ जो लड़का पैदा हुआ उस लड़के का नाम क्या रखा गया बेनजीर नजीर, नजीर। देखिए जो के साथ जब नज़ीर लिखते हैं ना इसका मतलब होता है मिसाल और बे लग गया तो बे का मतलब बेमिसाल मतलब उस जैसा कोई नहीं तो उस लड़के का नाम क्या रखा गया बेनजीर रखा गया सारे मुल्क में खुशियां मनाई गई चौथे बरस दूध छुड़ाकर एक निहायत खुशनुमा बाग में उसकी तालीम और तरबियत का इंतजाम किया गया किसकी बेनजीर की सुए किस्मत नजूमियों की कही हुई तारीख याद ना रही यानी नजूमियों ने कहा था कि आपका जो लड़का है वो बारह साल की उम्र में क्या हो जाएगा जे वो बहुत सारे मुश्किल का सामना करना पड़ेगा लेकिन उस चीज को बादशाह सलामत भूल जाती है बादशाह ने इस ख्याल से कि बारह साल बीत गए शहजादा को महल बुलवा लिया यानी साथियों उन्होंने महल से अलग ही रखा क्योंकि महल में रहेगा तो हो सकता है उसको कुछ मुश्किल हो इसीलिए उसको महल से बाहर बाग में रखा और बादशाह ये बात भूल गए कि लड़का को कितना दिन हुआ और वो साथियों बहुत जल्द ही उसको महल में बुलवा लिया और महल के बाला खाने में रात गुजारने का अहतमाम किया उसने इतफाक से ये रात बारहवीं बरस में शामिल थी यानी जिस रात को उसको महल के बाला खाना में ठहराना था बेनज़ीर को वो रात बारहवीं साल में शामिल थी चुनाचा नजूमियों के कहने के मुताबिक माहे रुख नामी क्या नाम देखिए याद रखिएगा माहे रुख नामी परी का उधर से गुजर हुआ कहाँ से उसी बादशाह के बाला खाना की तरफ से शहजादा को देखकर उस पर आशिक हो गई और उसे उड़ाकर परिस्तान ले गई परिस्तान का मतलब ये होता है वो जगह जहाँ परी रहती है यानी माहे रुख परी को साथियों ने क्या किया बादशाह को जब देखा तो उसको वहां से उड़ा कर लेकर चली गई उठाकर कहां से बादशाह के महल से महल से शहजादे के जाने से कोहराम मच गया आप सोच सकते हैं कि अगर कोई बादशाह को एक लड़का हो बहुत दिनों के बाद और वो भी गायब हो जाए तो उस बादशाह के महल में साथियों उस वक्त क्या कैफियत होगी लोगों के दिलो दिमाग पे क्या चल रहा होगा चुना साथियों पूरे महल में हंगामा हो गया कोहराम मच गया क्यों कोहराम मचा इसलिए कि जो बादशाह का लड़का था बेनजीर उसको माह रुख नामी परी ने उड़ाकर साथियों परिस्तान लेकर चली गई थी ठीक है अब देखिए आगे क्या होता है उधर माह रुख परी ने शहजादे के आराम व आसाइश और उसके दिल बहलाने की हर मुमकिन कोशिश की लेकिन शहजादा किसी तौर पर उससे मानूस ना हो सका यानी माहुख पड़ी ने उसको बहुत मनाया और बहुत सारे चीज दिए खिलौने के तौर पर लेकिन बादशाह का बेटा जो था शहजादा वो खुश नहीं हुआ आखिरकार परी ने शहजादा पर तरस खाकर उसे कल का घोड़ा दिया कल का घोड़ा मतलब एक घोड़े का नाम था ठीक है ना और सैर सयाहत की इजाजत दी और शहजादा उस कल के घोड़े पर सवार होकर सुबह शाम तफरी के लिए निकल जाया करता था एक दिन इत्फाक से शहजादे का गुजर शहजादी बदरे मुनिर के महल के करीब से हुआ अब यहां पर एक एक थ्यूरी को याद रखिएगा के साथियों जब बादशाह का लड़का बहुत परेशान हुआ तो माहिर परी ने किस नाम का घोड़ा दिया कल के नाम के घोड़ा से कल का घोड़ा दिया और इस घोड़े से बादशाह का लड़का यानी बेनजीर क्या करता था सुबह शाम घूमा करता था और इसी घूमने के चक्कर में एक दिन वो शहजादी बदरे मुनीर के महल के करीब से गुजर गया वो शहजादा उसके बाग में उत, उतर पड़ा जहां बदरे मुनीर भी मौजूद थी यानी वो बाग में पहुंच गया बेनजीर और बदरे मुनीर दोनों एक दूसरे को देख कर एक दूसरे के इश्क में मुब्तला हो गए मैंने आपको बताया था ना अभी जी ऊपर थ्योरी में कि ये दोनों एक बाग में गए थे वहीं पर दोनों एक दूसरे के आशिक माशूक हो गए थे तो चुनान आगे क्या होता है और माह रुख परी की गायबाना में आपस में मिलने जुलने लगे साथियों हम लोगों को भी किसी से प्यार होता है तो हम लोग क्या खुलेआम थोड़ी मिलते छुप छुप कर छुप छुप कर मिलते हैं ना ये तो इसी तरह क्या होता है कि ये भी यानी कि जो बदरे मुनीर है और साथियों बदरे मुनीर जो शहजादी थी इससे जब इसको इश्क होती है किसको बेनजीर को तो ये भी छुप छुप कर मिल रहा था किसके गायबाना में माह रुख परी के में और जब माहे रुख को इन मुलाकातों की खबर एक देव देव बोलते हैं जिनको देव के जरिए हुई तो वो बहुत बरहम हुई माह रुख को साथियों क्या हुआ कि एक देव ने क्या किया बताया कि अरे ये तो शहजादा बेनजीर जो है ना ये किससे शहजादी बदरे मुनीर से छुपके छुपके मिलता है उससे इसको मोहब्बत है तो चुनान चा माह रुख परी बहुत गुस्सा हुई उसने मारे गुस्से के शहजादा बे नज़ीर को कोहे काफ याद रखेगा कोहे काफ कोह का मतलब होता है पहाड़ कोहे काफ के रास्ते में पड़ने वाले कुआं चाहे अलम में कैद कर दिया यानी एक जंगल के कुआं में साथियों बे नज़ीर को क्या कर दिया कैद कर दिया शहजादे के हाल से बेखबर बदरे मुनीर इसके फिराक में बेचैन रहने लगी चूंके साथियों ध्यान दीजिए कि ध्यान दीजिए अब चूंकि यहां पर एक बात याद रखिएगा कि बद्र मुनीर बदरे मुनीर जो थी शहजादी इससे इसकी मुलाकात कहां हुई थी बाग में हुई थी लेकिन काफ़ के कुएं में जब इसको रखा था किसने साथियों माहिरुखरी ने डाला तो इस बात की भनक कि बद्रे मुनीर को नहीं थी वो उसके याद में बेचैन रहती थी सोते जागते उसी शहजादे की सोहबतों का ख्याल रहता किसको बद्रे मुनीर को उसी दौरान उसने एक रात ख्वाब में देखा कि शहजादा एक कुएं में कैद है कौन ख्वाब में देखा तो शहजादी बद्रे मुनीर वो सख्त बेकरार हो गई उसने अपना ख्वाब अपनी सहेली वजीर नजमुन निसा को सुनाया देखिए यहीं पर याद रखिएगा नजमुन नजमुलनसा किसकी सहेली है तो ये बदरे मुनीर की है ये बदरे मुनीर वही शहजादी है जिससे साथियों बेनजीर की मुलाकात बाग में होती है चुनाचा बेनजीर की जो मुलाकात होती है बाग में तो ये सहेली हुई तो चुनाचा अपने खाब साथियों उन्होंने किसको सुनाया नजमुन नजमुलनिस को सुनाया नजमुन नजमुलनसा को बदरे मुनीर पर रहम आया और वो जोगन बनकर बेनजीर की तलाश में निकल खड़ी हुई रास्ते में जिन्हों के बादशाह के बेटे फिरोज शाह से इनकी क्या होती है मुलाकात होती है क्या होती है मुलाकात होती है अरे क्लियर नहीं दिख रहा वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिए ना फिरोज शाह के पर फरेफता हो जाता देखिए ये नजमोनिसाह किसके खोज में निकला था तो साथियों बेनजीर के खोज में लेकिन रास्ते में नजमोनसा को एक जिन्नों का बादशाह है जिसका नाम है साथियों बादशाह का बेटा फिरोज शाह उससे मुलाकात होती है और फिरोज शाह जो है ना वो नजमुन से साथियों इश्क कर बैठता उस पर फरेफ्ता हो जाता है लेकिन नजमशा ने सिर्फ इस शर्त के साथ उससे मिलने का वादा किया कि वो शहजादा बेनजीर को ढूंढ निकालने में उसकी मदद करेगा ये शर्त रख दिया फिरोज शाह ने जिन्नों को बुलाकर बेनजीर की खोज पर मामूर किया और एक, सिक, एक सिकंदर देव ने कुए से बेनजीर को निकाला ठीक है इस तरह फिरोज शाह की मदद से माहुखरी की कैद से बेनजीर आजाद हो गया चूंकि साथियों बेनजीर को उस कुआ में किसने डाला था तो किसने डाला था माहिरुखरी ने डाला था लेकिन इसको निकलवाया किसने तो नजमुन निशा और फिर नजमुन निशा ने कहा जिन्हों के बादशाह फिरोज शाह को और फिरोज शाह ने साथियों जिन्हों को हुक्म दिया और उसको निकाल दिया फिरोज शाह और नजमुन निशा दोनों बेनजीर को लेकर बदरे मुनर के महल में आए बदरे मुनीर ये साथियों शहजादी का नाम है पद्र मुनीर का बाप मसूद शाह को बेनजीर की शादी का पैगाम दिया अब देखिए यहां पर याद रखिएगा बद्र मुनीर जो शहजादी थी इसके बाप का नाम क्या था मसूद शाह इसको भी साथियों क्या दिया गया शादी का पैगाम दिया गया बद्र मुनीर और बेनजीर की शादी हो गई ठीक है ना चौथी के दिन नजमुन निशा और फियोद शाह की भी शादी हो गई यानी एक दिन दूसरा दिन तीसरा दिन यानी चौथा के दिन उसकी भी शादी हो गई शहजादी बदरे मुनीर को लेकर अपने मुल्क वापस हुआ और नजमुन नजमसा फिरोज शाह के साथ परिस्तान चली गई तो साथियों एक बात यह बताइए कि इस पूरे इसमें अभी आपको बहुत कुछ समझ में नहीं आया होगा हम इसको आपको समझाते हैं बस छोटा छोटा सा लिखेंगे आप इसको यहां पर देखिए आपको समझ में आ जाएगा सबसे पहले साथियों देखिए स्टार पॉइंट करके लिखता हूं बात न करें साथियों बेनजीर ये कौन है इस इसका हीरो है ठीक है ना अच्छा बेनजीर को कौन सी परी उठा कर ले जाती है माहिर रुख पड़ी उठाकर ले जाती है ये कौन सा साथियों इसको घोड़ा देता है तो कल का घोड़ा इसको देता है ठीक है देती है और उसके बाद बेनजीर साथियों कहां पर कल के घोड़ा से जब ये घूम रहा होता है तो बाग में ये शहजादी बदरे मुनीर से किससे बदरे मुनीर से इश्क कर बैठता है और बदरे मुनीर बेनजीर दोनों आपस में मिलते हैं और इस बात की खबर साथियों देव जो है ना देव क्या देव नाम का एक जो है साथियों ये खबर देता है किसको माह रुख को और माह ने साथियों क्या करता है चाहे अलम यानी ये कुआं का नाम है चाह के मतलब होता है कुआं अलम मान होता है गम गम का कुआं यानी अंधेरा कुआं यानी जंगली कुआं में क्या करता है बदरे मुनीर को बेनज़ीर को साथियों ये डाल देती है कौन डाल देती है तो माह रुख पर डाल देती है उसके बाद साथियों फिर क्या होता है कि ये जो बद्रमीर है ये इसके इश्क़ में मुबतला थी बहुत इसके याद में तड़पती है चुनानचा ये इस ख़्वाब में देखती है कि हमारा जो बेनज़ीर है वो बहुत मुबतला है चुनानचा ये बात बदर मुनर जो है अपने किससे सहेली जिसका नाम होता है नजमोनसा इससे साथियों कहती है नजमोनसा एक जोगन बनकर क्या किसकी तलाश में साथियों बेनज़ीर की तलाश में निकलती है रास्ते में जिनों का बादशाह होता है जिसका नाम होता है फिरोज शाह क्या नाम होता है फिरोज शाह और यही फिरोज शाह ने साथियों इसको यानि कि नजमुन निशा को देखकर इस पर दीवाना हो गया था चुनानचा नजमुन निशा कहती है कि मैं उस वक्त तुमसे मिलूंगी जब तुम हमारी मनशा यानि बेनजीर को खोज कर निकाल दोगे चुनानचा चूंकि जिन्नों का बादशाह का बेटा था जिन्नों को हुक्म दिया साथियों एक सेकेंड में बेनजीर को कुआं से निकाल दिया और फिर साथियों जो बदरे मुनीर है इसका बाप जो था जिसका नाम था मसूद शाह उसको दावत दी जाती है और दोनों की शादी होती है और फिर चौथे दिन जो है नजमुन नेसा और फिरोज़ शाह की भी शादी हो जाती है साथियों ये किरदार में आपको ऐसे पूछा जाता है क्या कि जो सबसे फाल और किरदार कौन है तो सबसे फाल और किरदार साथियों नजमोनिससाँ है और मसनवी बयान का हीरो कौन है तो वो साथियों शहजादा बेनज़ीर है और इस मसनवी की हीरोइन तो कौन है तो वो शहजादी बदरे मुनीर है अब आप लोग बताइए ये किरदार समझने में आपको कोई दिक्कत है क्या ये देखिए अगर आप ध्यान से सुनेंगे तभी याद होगा अगर आप अपने मनमानी करेंगे तो याद नहीं होगा साथियों यूजीसी नेट के लिए साथियों आप हमारा डी त्रिपल एसवी वाला क्लास ले लीजिए आपको बहुत फायदा होने वाला है अब देखिए कुछ अहम अहम मालूम है उसको भी आप देख लें उसके बाद फिर और कुछ चीजें आपको बताऊंगा ध्यान दीजिए कुछ अहम मालूम फारसी में जिस तरह शाहनामा है उर्दू में उसी तरह कौन सी मसनवी लिखी गई देखिए आपको पूछेगा कि फारसी में जिस तरह शाहनामा है मसनवी उसी तरह उर्दू में कौन सी मसनवी लिखी गई तो उस मसनवी का नाम है सहरुल बयान ठीक है जी ध्यान दीजिए लखनवी तहजीब लखनवी जबान तहजीब व तमद्दन की अक्कासी कौन सी मसनवी करती है तो सहरुल बयान करती है आसिफुद्दौला ये साथियों लखनऊ के नवाब थी इन्हीं की दौर में सत्रह में जब इस मसनवी को लिखा गया तो गोया के मसनवी, लखनवी तहजीब इसमें झलकती है बे नज़ीर बदरे मरीर नजमसा माहरुख और फिरोज शाह किस मसनवी का मरकजी किरदार है तो सहरुल बयान का किसका है सहरुल बयान का उसके बाद साथियों आगे है माहिर लिसानियात ने दुनिया की जबानों को कितने खानदार में मुनकसिम किया हालांकि ये लिसानियात पढ़ाऊंगा तो वहां भी आपको बताऊंगा लेकिन याद रखिए दुनिया की सारी लैंग्वेज जो है वो साथियों आठ खानदान में है इसी आठ खानदान में से किसी एक खानदान में दुनिया की सारी लैंग्वेज आता है साथियों ठीक है मगरबी हिंद में कुल कितनी बोलियां शामिल है याद रखिएगा टोटल साथियों पांच बोलियां शामिल है कौन कौन सी खड़ी बोली इसी खड़ी बोली से उर्दू और हिंदी निकला है हरियाणवी ब्रिज भाषा बंदीली कन्नौजी ठीक है उसके बाद साथियों फिरोज बख्त किस्मत नवी का किरदार है वही फिरोज बख्त या फिर फिरोज शाह दोनों एक ही चीज़ें साथियों तो ये किरदार है किसका सहरुल बयान का अब आपको पूछे अखरनाथ कुदमराव किस मसनवी का किरदार है तो ये कुदमराव पुदमराव जो मसनवी है उसका किरदार है साथियों एक बार आप लोग बताइए कि आज का टोटल कंप्लीट जितनी बातें मैंने आपको बताया है वो सभी चीजें आपको समझ में आ गई या नहीं या फिर किसी को कोई दिक्कत है देखिए अगर आपको दिक्कत है मेरे दोस्त तो इस वीडियो को एक बार फिर देखने में क्या जा रहा है हम तो साथियों घंटों घंटों न्यूज़ चैनल को देखते हैं अगर इस एजुकेशन वीड़ वाले वीडियो को जो हमें सिलेक्शन दिलाएगा जो हमारी लाइफ को चेंज करेगा इसको एक बार और देख लेंगे दोबारा और सुन लेंगे ती बारा और सुन लेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा और साथियों देखिए अगर आप मानो बी या फिर डी ट्रिपल एस एस यूपी टी जी टी, ग्रेड पी या फिर साथियों आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा या फिर इस वाले नंबर पर आप हमारे ऑफिशियल ग्रुप से जुड़ जाइएगा या फिर हमारा अपलिकेशन आ चुका है ऐप डाउनलोड कर लीजिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उससे साथियों बेनिफिट आपको ये होने वाला है कि रेगुलर क्लास और सारे टेस्ट उसके बाद साथियों सभी का पीडीएफ ये सभी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे और यकीन मानिए आपकी तैयारी अच्छी होगी अच्छी ही नहीं बल्कि बेहतर होगी जी किसी को कुछ पूछना है साथियों जी जी, किसी को कुछ पूछना देखिए आप जब किताब में पढ़ेंगे ना इसको कम से कम एक से दो घंटा लगेगा और एक छोर में पढ़िएगा दूसरे छोर में भूल जाइएगा एक छोर में पढ़िएगा दूसरे छोर में भूल जाइएगा और पता है अभी आपने सुना है ना अभी मैं दिखाता हूं आपको देखिए कैसे याद होगा साथियों अगर मैं पूछूं बेनजीर कौन है आप कहिएगा बेनजीर क्या है ये हीरो है ठीक है अगर मैं पूछूं साथियों बेनजीर को किसने किस परी ने उठाया था तो आप कहिएगा माहरुख परी ने उठाया था यही ना कहिएगा उसके बाद फिर कहिएगा कि बेनज़ीर किसके इश्क में मुबतला हुआ था तो आप कहिएगा कि बदरे मुनीर बदरे मुनीर कौन है तो ये शहजादी है बेनजीर को साथियों किसने कुएं में डाला था तो माहरुख परी ने डाला था फिर बे को कुएं से किसने निकाला था तो आप कहिएगा नजमुन नजमुनसाह ने निकाला था नजमुन नजमुनिस पर किस कौन आशिक हुआ था तो आप कहिएगा फिरोज शाह आशिक हुआ था फिर आप कहिएगा कि सहरुल बयान का सबसे फाल और किरदार कौन है तो नजमुन नजमसाह है जोगन कौन बनती है तो नजमुन नजमोनिसाह बनती है तो ये तो इतना आसान है ना बीज बिल्कुल आप उंगली पर इसके किरदार को याद रख लेंगे कुछ नहीं होगा जब आप सही से पढ़ लेंगे जी ठीक है अभी न यूपी टी जी टी का न एल्टी ग्रेड का न पी जी टी का डी ट्रीप्लेस भी इसका किसी का नोटिफिकेशन न नो मानू का आया है बल्कि मैं तैयारी पहले से करा रहा हूँ ताकि आपका हंड्रेड परसेंट सेलेक्शन हो और अभी ही आप सुस्त बैल की तरह बैठ जाएंगे तो तैयारी नहीं हो पाएगी ठीक है ना चलिए शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू साथियों मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ जब तक के लिए